वाली 21 तारीख को महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है। ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है। आप लोगों को तय करना है कि इस देश में जातिवादी शक्तियों को रोकना है और एक पार्टी है सेकुलर पार्टी कांग्रेस, तो आपके हाथ में है। ये आप लोगों को तय करना है कि आपको शक्ति और जातिवादी शक्तियों को रोकना है और सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है। तो आने वाली 21 तारीख को आपको ये बताना है कि आप सेकुलर पार्टियों के साथ में है। सेकुलर पार्टी हमारे आघाड़ी के जो है, समाजवादी पार्टी हमारे आघाड़ी में, कांग्रेस आई में शरद पवार साहब की पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही अबू असीम की पार्टी है, ये वही मुलायम सिंह की पार्टी है जब आडवाणी ने रथ यात्रा निकाले थे, बाबरी मस्जिद की तरफ जा रहे थे रथ यात्रा लेकर, तो यही मुलायम सिंह ने उसको रोकने का काम करे और वो कार सेवकों को वापस भेजे, उनके ऊपर फायरिंग करे। जो शर पसंद लोग थे वो शर करना चाह रहे थे, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए जा रहे थे, तो इन्हीं की पार्टी समाजवादी पार्टी ने उसको रोकने का काम करे। तो बीजेपी ने एक नारा लगाया था कि मुल्ला मुलायम सिंह बोल गई, क्यों? कि वो मुसलमानों के साथ थे और आम आदमी और हर गरीब तबके के साथ में अगर कोई पार्टी थी तो समाजवादी पार्टी है और आगे भी रहेगी। और जिस तरीके से 2014 से हिंदुस्तान में जातिवाद का माहौल चल रहा है, एक तरफ बीजेपी सेना जातिवादी भाषण करते हैं, मस्जिद मंदिर के नाम पे भाषण करते हैं, भाषाओं के नाम पे भाषण करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे भाषण करते हैं, इस तरीके से उनका साथ देती है एमआईएम। बैरिस्टर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, 2014 के पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, 2014 के पहले अकबरुद्दीन ने एक भाषण दिया, उस भाषण में कहा था कि राम कहाँ पैदा हुए, भाई राम पैदा जहां पर भी हुए, लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं, गलत अल्फाज इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जो गलत अल्फाज इस्तेमाल कराए उसका जो है तो हमारे हिंदू भाव में एक अलग भावना गई। और इसी तरीके से पूरे देश के अंदर टीवी चैनलों ने अकबरुद्दीन के भाषण बताए कि ये हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे। एक सुदर्शन चैनल है, वो सुदर्शन चैनल ने 24 घंटे में अकबरुद्दीन का भाषण बताए और अकबरुद्दीन ये बोल रहे थे कि राम कहां पर पैदा हुए। तो मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता हूं। तो हमारा मजहब सिखाता है कि किसी के मजहब को हमको बुरा नहीं बोलना है, हमारा मजहब सिखाता है किसी के मजहब को बुरा मत बोलो। हमारे अल्लाह के रसूल ने बोले कि अगर कोई काफिर है तो काफिर को भी काफिर मत बोलो। तो मैं अकबरुद्दीन साहब से यह सवाल करता हूं कि आप हमारे हिंदू भाइयों के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं, उसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारे हिंदू भाई सब एक तरफ गए और जातिवादी शक्तियों को मजबूत करे हिंदुस्तान के अंदर, उनके वो एक स्टेटमेंट से हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी और उसके साथियों की सरकार बनी। और वो सरकार बनने के बाद में उन्होंने सबसे पहला काम ये करे कि हमारा गोश्त बंद कर दिए। इन्होंने कहा था अकबरुद्दीन ने कि भाई हम तो गोश्त खाते हैं, बड़ा मजा आता है, आप भी खाइए। अरे अल्लाह ने आपको खिला रहा तो आप खाओ, लेकिन आप लोगों पे तंज क्यों कर रहे हैं, गलत बात क्यों कर रहे हैं, लोगों के जज्बात क्यों भड़का रहे हैं। इस तरीके से उनके बयानबाजी होते रही और हर स्टेट के अंदर जो है तो इलेक्शन हुए, उसका नुकसान ये हुआ कि सेकुलर पार्टियों को नुकसान हुआ और जातिवादी पार्टियां पावर में आई। फिर उन्होंने पावर में आने के बाद में उन्होंने जो है नोटबंदी करे, नोटबंदी के बाद में उन्होंने जीएसटी लेकर आए, जीएसटी लाने के बाद में उन्होंने हमारी शरीयत पर हमला करे। लेकिन मैं ये बात बोलूंगा कि हुकूमतें बदल सकती है, लीडर बदल सकते हैं, लेकिन शरीयत का कानून
कभी नहीं बदलेगा और मुसलमान कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये मेहरबानी किसकी थी? ये जातिवादी भाषण करते थे, इसके लिए हमारे हिंदू भाई एक जगह आकर उनको वोट डाले। उसके एवज में यह हुआ कि हमारे सेकुलर पार्टियां गिर गए। उसके बाद में उन्होंने निर्णय किया, अभी जो उनकी हुकूमत सत्ता में आई तो उन्होंने कश्मीर को आजादी दिलाने की बात कर रहे हैं। कश्मीर को उन्होंने आजादी नहीं दिलाए, आज 70-75 दिन हो गए। वहां पर जाके देखिए, छोटे छोटे बच्चे जेल में है, कहीं जो है स्कूल बंद हो गए। वहां पर अगर कोई मर जाता है तो उनके घर के अंदर दफनाया जा रहा है, और लोग घर जुम्मे की नमाज भी घर पर पढ़ रहे हैं। तो ये माहौल जो है ये किसने पैदा किया? ये दिन मुसलमानों के ऊपर क्यों है? क्यों? कि आपने जातिवादी माहौल किया। जैसा कि अमित शाह और मोदी बोलते हैं कि हिंदू सिख जितने भी हिंदुओं में जाति है उनको सबको हिंदुस्तान में रखा जाएगा, सिर्फ लागू मुसलमानों पे करने वाले हो। लेकिन मेरे भाइयों, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, और कोई मोदी से और कोई शाह से डरने वाला नहीं है। दस्त दस्त दरिया भी ना छोड़ा हमने, पहले जुलमात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने, हम किसी से डरने वाले नहीं है। इन्होंने आधार कार्ड लेकर आए, आधार कार्ड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। एनआरसी का कानून कम से कम 50 साल लगेंगे। तो इसके लिए मेरी माँ मेरी भाई ने जो भी घर में बैठी हुई है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो कानून से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ ये वो इलेक्शन का उनका भाषण है, इलेक्शन प्रचार कर रहे हैं, हिंदू भाइयों को जो भड़का रहे हैं और हिंदू भाइयों के वोट लेने के लिए वो ऐसे ऐसी बातें करते हैं। इसके लिए आप उनके बहकावे में मत आओ, और दूसरी पार्टी उनका साथ देती है। अगर ये इधर से हिंदू भाई कभी हिंदू की बात करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन इधर से बात करते हैं, उसके बदले में मुसलमान अलग हो रहे, हिंदू अलग हो रहे, और हमारी सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुंच रहा है। क्या ये ट्रिपल कानून ये दो एमपी रोक सकते हैं? ये एनआरसी का कानून क्या ये दो एमपी रोक सकते हैं? नहीं मेरे भाइयों, हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हम लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। हमको चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमको ये नारा लगाना है और हमको उसके साथ सेकुलर पार्टियों के साथ जाना है। अगर औरंगाबाद में एक या दो मिल जाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको चाहिए कि कांग्रेस को मजबूत करे, मुलायम सिंह की पार्टी को मजबूत करे, शरद पवार की पार्टी को मजबूत करे, ताकि ये आपके मसाइल हल लेकर जाकर वहां पे ट्रिपल तलाक की मुखालिफत करे। वो जाकर कश्मीर में जो जुल्म हुआ तो कश्मीर के मुसलमानों के लिए लड़े जाके, ये जब हो सकता है मेरे भाई, अगर जब सेकुलर ताकतें चुन के आएंगी। अब असीम आदमी, आपने देखा एक साल पहले शागल में दंगल हुई, सबसे पहले आने वाला आदमी हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों के ऊपर कोई आवाज उठती है तो सबसे पहले अब असीम आता है। औरंगाबाद में जैसी दंगल हुई शाम के फिलहाल से अब असीम 4:30 बजे मना भाई 5 बजे अब असीम आए, और आते ही जिन लोगों की दुकानें जली थी उन लोगों को पैसा देने का काम था। उसके बाद में वो बच्चे का इंतकाल हो गया, वो बच्चे के घर पे जाके उसकी मिजाज पूछी, घाटी में गए, जो लोग घाटी में बीमार थे उनके दवा गोलियों का इंतजाम करे। तो ऐसा आदमी जो है सेकुलर आदमी है, अब असीम भाई सेकुलर पार्टी में है, सेकुलर आदमी है, और हिंदू भाइयों को भी उन्होंने मदद की, हमारे जो हिंदू भाइयों को जो नुकसान पहुंचा था उसको भी पैसा दिए, उसकी भी अदालत करी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलीम कुरैशी साहब एक यंग आदमी है, मन्ना भाई बोलेंगे अरे मियां कलीम आमदार बन गया तो ये नहीं बोलेंगे, एमएलए नहीं बोलेंगे, अरे बाबा कलीम ये मेरा रास्ता खराब हो गया, मेरे को पानी नहीं मिल रहा, मेरी बिजली काट दी गई, ऐसा हाथ पकड़ के अपना बच्चा समझ के काम लिया। लेकिन अगर आपको एमआईएम अगर चुनकी आती है तो हैदराबाद को फोन करना पड़ता है, हमारे अजू पहलवान बोलते मैंने 35 फोन करा तो उठते थे, और उठाने के बाद में कहते हैं मैसेज करते हैं भाई, मैसेज करने के बाद में बोलते हैं कि भाई इलेक्शन की बात मत करो।
तो पहला हमने बोले भाई हम यूनिट को तुम्हारे से रिश्तेदारी करना है। अरे भाई आप सियासत में है, आपके आमदार चुन के आए, उनकी कोई समस्या होंगी। लेकिन मन्ना भाई पैदल चल के कलीम भाई के घर पे जाएंगे, अरे बोलिए भाई मेरे महल्ले की लाइट गई, हमारे काम क्या है? हमारे काम है ड्रेनेज, लाइट, नल, राशन कार्ड, पीले कार्ड, रोजगार, पान टपरी, हमारे पास में है क्या? अभी हमारे वाले बोले हमने प्लेन चालू कर दिए। अरे भाई कौन जाता है इसमें से प्लेन से? यहाँ पे जो हम लोग जो है तो प्लेन से जाने वाले हैं क्या? मन्ना भाई तुम प्लेन से जाते क्या? तो उसका फायदा क्या है? और अभी मैं कलीम भाई के बारे में सुन रहा, देख भी रहा, मेरे दोस्त है, मैं हबीब भाई का बहुत पुराना दोस्त हूँ, कलीम भाई से भी दोस्ती है। लेकिन हमारे डॉक्टर जफर साहब ने कहा कि हमद भाई कम से कम 500 लोगों को रोजगार देते कलीम, और घर से निकलते जितने भी बच्चे बाहर खड़े रहते सबसे बात करके जिसकी जो हड़ी ऑप्शन है कलीम भाई करते। मेरे दोस्त है बाबर भाई, बाबर भाई ने बोले हमद भाई कुछ भी करो कलीम कुरैशी आना चाहिए। क्यों? कि जितने लोग उनके घर पर जाते हैं, जरूरतमंद लोग जाते हैं, लेडीज आती, जेंट्स आते, बूढ़े आते, जवान आते, बच्चे आते, नौजवान बच्चे आते, कलीम भाई जो है किसी को इनकार नहीं करते, उनका काम करते। तो हमको ऐसे आदमी की तलाश थी। मैंने 20 साल के अंदर बहुत सियासत देखा, बहुत बड़े बड़े लीडरों को भाषण करते हुए देखा, लेकिन उन लोगों को राशन नहीं दिया, सिर्फ लोगों के वोट मिलते हैं लेकिन उनके दुख सुख में काम नहीं करते। इसके लिए मैंने थोड़ा सा भी राजकारण से थोड़ा साइड में हो गया, लेकिन मन्ना भाई ने बोले, बाबर भाई ने बोले, जफर भाई ने बोले, सलीम भाई ने, तफीक भाई ने बोले कि नहीं भाई एक अच्छे आदमी को टिकट मिला और वो जोश के साथ में काम करने वाला आदमी है और गरीबों के ऊपर ज्यादा ध्यान है, लोगों की हर दुख सुख में आने वाला काम आने वाला आदमी है। इसके लिए हम सबको मिलकर कलीम कुरैशी को मदद करना है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि थोड़े दिनों के बाद में कुछ उनके एमआईएम के नेता आने वाले हैं, वो रोड शो करेंगे, वो धांधलिया करेंगे, वो आपका नहीं आएंगे, कस्में खाएंगे, भाषणों में रोएंगे और ऐसा वोट मांगेंगे। लेकिन उनके भड़काव में मत आओ, वो बहुत बड़ी झूठ की दुकान है। नौज बिल्ला उनके ख्वाब में रसूल भी आ जाते, उनके ख्वाब में रसूल आते और सालार भी आ जाते, उनके अब्बा भी आ जाते, और जितने भी हमारे बुजुर्गाने दीन है, जब अकबरुद्दीन को गोली लगी तो पूरे बुजुर्गाने दीन खाक में आ गए और हुजूर का पैर पकड़ ली कि मेरे बच्चे को संभाल। अरे भाई मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, दो तीन टाइम की नमाज होती है, मन्ना भाई भी जमात से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग है, मैं मक्का भी जाता हूँ, बड़े बड़े उलमाओं से मिला हूँ, वो जो मक्के में नमाज पढ़ाते उनसे भी मिला हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल खाक में आए। तो ये सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं, ये आपके साथी नहीं है, आपके साथी अब वो आसिम आदमी है। जब आप पे कुछ आफत आती है, ऐसा भी नहीं है कि कल के दंगे में आसिम भाई आए। आसिम भाई को मैं कम से कम 20 साल से जानता हूँ। आसिम भाई जो है जब भी औरंगाबाद में, अगर औरंगाबाद में सुई भी गिरती है तो सबसे पहले आने वाला आदमी है वो आसिम आदमी। अगर कोई हमदर्द है औरंगाबाद के अंदर तो सिर्फ अबू आसिम आदमी। तो मेरे भाइयों मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, ये मेरा वार्ड है, मन्ना भाई मेरे बड़े भाई है, मेरा भतीजा है इमरान, मेरे दिल में बहुत कुछ थी, बहुत कुछ बातें बोलने की, लेकिन वक्त नहीं है। हमारे राष्ट्रवादी के लोग हैं, समाजवादी के लोग हैं, यूथ के बच्चे बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं, फिर से काम भाई को सुनना है, और हमारे नेता है पीछे, बहुत सारे लोगों को हमको सुनना है। तो आने वाली 21 तारीख को फजर की नमाज पढ़ के बिल्कुल पूरे जोश से फजर की नमाज पढ़ के चाय नाश्ता बाजू में करना है, अपने अम्मा को, भाई को, भाइयों को, सबको बोलना है कि नहीं अभी जो है जातिवादी शक्तियों को चलने का टाइम आया और सबसे पहले जाके साइकिल के ऊपर बटन दबाना चाहिए, और वो बटन ऐसा दबाना चाहिए कि उसकी आवाज मोदी तक जाना चाहिए कि इतनी तादाद में औरंगाबाद से एक सेकुलर पार्टी का आया, सोनिया गांधी तक इसकी आवाज जाना चाहिए। कलीम कुरैशी के लिए एक महीना ये सीट के लिए चढ़ा झगड़ा चढ़ा, हम बोलते थे मैं खुद टिकट मांग रहा था कांग्रेस को दो, अबू आसिम बोलते थे मेरे को दो,
ये एक महीना झगड़ा चला तो अब आप लोगों को कलीम कुरैशी को बहुमत से चुनकर लाके जातिवादी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देना है। और ये हुकूमत के ऊपर एक शेर बोलता हूं, आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होगी, आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान।